नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शर्मा आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सिलेक्शन मेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज दोस्तों हम लोग पॉलिटी से संबंधित एक चैप्टर के एमसीक्यूज करेंगे। दोस्तों भारतीय संविधान सभा जिसका नाम है दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो देखिए आगे चलते हम लोग, और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल है ये और इसके माध्यम से आपको अपडेटेड्स मिलती रहेंगे और सारे जो हमारे कुछ एमसीक्यूज जो कराए जाते हैं उनकी भी जो है हमें डिटेल यहाँ से जानकारी मिलती रहेगी। इंस्टाग्राम से जुड़ेंगे तो जानकारी आपको मिलेगी, फेसबुक, ये तीन चैनल है हमारे जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इनके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं और सारी चीज़ों का जो है समय समय पर आप जो है प्राप्त कर सकते हैं जानकारी। इसके बाद ये देखिए हमारे सिलेक्शन मेंटर, ये हमारे कोचिंग का नाम है और ये हमारे कोचिंग के फाउंडर हैं वीरज सर, ये प्रोफाइल लगी हुई है उनकी। और अगर आप यूपी टेट की तैयारी करना चाहते हैं, सी टेट की तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, यूपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, यूपी ट्रिपलएससी की तैयारी करना चाहते हैं और सारे हमारे जो एग्ज़ाम लगातार हमारी जॉब्स आती रहती हैं गवर्नमेंट से संबंधित, वो सारे एग्ज़ाम की तैयारी हमारे इस चैनल के माध्यम से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो अब हम चलते हैं क्लास की तरफ और उसमें देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि संविधान सभा में चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे, स्थायी अध्यक्ष परमानेंट प्रेसिडेंट कौन बनाए गए थे। तो चार ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, दूसरा है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तीसरे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चौथे हैं बी एन राव। तो दोस्तों ये चार ऑप्शन हैं जिनमें कोई एक ऑप्शन सही है दोस्तों, और जल्दी से अपने ऑप्शन को जो है करेक्ट करिए कि आपका कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन में दोस्तों जो है सी नंबर ऑप्शन सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन्हें स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों। और किस तारीख को बनाया गया था दोस्तों, 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था दोस्तों। ठीक है, 1946 को बनाया गया था और ये झंडा निर्माती सभा के अध्यक्ष हैं, निर्माती सभा के अध्यक्ष हैं, सभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है, दूसरी बात, इन्हें भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया, भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया और वो किस तारीख को बनाया गया था, अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, जिस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई उस दिन इनको जो है भारत का प्रथम राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया था। ठीक, इसके बाद जो हमारा पहला ऑप्शन है, ठीक है, और पहला ऑप्शन में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, देखिए सबसे पहले तो इन्हें संविधान का पिता कहा जाता है, संविधान का पिता कहा जाता है। दूसरी बात, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, और कानून के अध्यक्ष भी रहे या कानून के मंत्री रहे ये, ठीक है, ये कानून मंत्री भी रहे। ठीक है, तो ये तीन इनसे संबंधित है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, संविधान के पिता भी कहा जाता था और ये पहले कानून मंत्री भी थे दोस्तों। कौन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, ठीक है ना। दूसरे हमारे सच्चिदानंद सिन्हा, आप देखिए सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में, तो सच्चिदानंद जो सिन्हा थे वो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई और पहली बैठक में सच्चिदानंद को अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया दोस्तों, अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है ना, तो ये अस्थाई अध्यक्ष थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थाई अध्यक्ष थे दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात कर चुके हैं, बी एन राव ये संवैधानिक सलाहकार थे, संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है ना दोस्तों, सलाहकार थे। ठीक है ना, इसके बाद आगे हम चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन को,
देखते हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा में पहली बैठक कब संपन्न हुई। तो ये चार ऑप्शन आपके पास हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला है 11 दिसंबर 1946, दूसरा है 9 दिसंबर 1946, तीसरा है 9 दिसंबर 1947 और चौथा है 26 नवंबर 1949। तो 11 दिसंबर 1946 को कौन घटना हुई थी, इस दिन हमारे यहाँ स्थाई अध्यक्ष, क्या है, स्थाई अध्यक्ष बनाए गए थे। और वो स्थाई अध्यक्ष कौन बनाए गए थे दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे 11 दिसंबर को, और 9 दिसंबर 1946, इसमें चार ऑप्शन थे, तो यही ऑप्शन आपका सही है दोस्तों, 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, ये चार ऑप्शन में बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है ना, समझ गए। सी नंबर में क्या है, 9 दिसंबर 1946 इस दिन कोई घटना नहीं हुई, और 26 नवंबर 1949 इस दिन का नाम याद आते ही हमें एक सबसे पहले तो बात ये मिलता है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया था, ठीक, अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, और 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है दोस्तों। क्या मनाया जाता है दोस्तों, विधि दिवस मनाया जाता है दोस्तों हमारे यहाँ 26 नवंबर को, ठीक है। तो अपनाया गया और स्वीकार कर लिया गया, परंतु लागू कब हुआ दोस्तों, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था हमारा भारतीय संविधान। तो ये इस प्रकार हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और चलते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ। और तीसरा क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। तो आपके पास ये चार ऑप्शन है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, दूसरा है 2 वर्ष 11 माह 16 दिन, 2 वर्ष 11 माह 17 दिन और 3 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये चार ऑप्शन है जिनमें कोई एक ऑप्शन सही है, तो दोस्तों इसमें तो सही होगा ए नंबर, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, इसको रट लीजिए दोस्तों। ये आता रहता पेपर में, बहुत बार क्वेश्चन ये जो है पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोग बिल्कुल अच्छे से इस महीने के और दिन को और वर्ष को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, सेट कर लीजिएगा। तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा हमारे भारतीय संविधान को निर्माण होने में, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग, चौथा क्वेश्चन देखते हैं, और चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव। अब देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो इसमें क्या है कि पहला ऑप्शन है डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर, दूसरा है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, चौथा है बी एन राव। ये चार ऑप्शन है आपके पास जिनमें कोई एक ऑप्शन सही है दोस्तों, तो इसमें सही होगा जो दोस्तों वो सी नंबर सही होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैं आपको दोस्तों बताने जा रहा हूँ कि 13 दिसंबर 1946 को 46 को उद्देश्य प्रस्ताव से संविधान का निर्माण चालू होता है। आपको मालूम है कि 9 दिसंबर को बैठक हुई, 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, और दो दिन बाद एक घटना होती है 13 दिसंबर 1946 को, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान का निर्माण चालू होता है, इसी उद्देश्य प्रस्ताव से होता है। और इस प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में पेश करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है कि ये सर्वसम्मत से कब स्वीकार किया जाता है दोस्तों, तो ये सर्वसम्मत से स्वीकार किया जाता है आपका जो है वो किस डेट को किया जाता है, 22 जनवरी 1946 को
सर्वसम्मत से स्वीकार कर लिया जाता है। सर्वसम्मत से स्वीकार कर लिया जाता है संविधान सभा द्वारा, संविधान सभा द्वारा दोस्तों, ठीक है ना, संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। इसके बाद दोस्तों सबसे पहले ये देखेंगे कि इस उद्देश्य प्रस्ताव में क्या क्या था। तो उद्देश्य प्रस्ताव में क्या क्या था दोस्तों, सबसे पहले तो सामाजिक रूपरेखा तैयार करना, दूसरा पॉइंट था आर्थिक रूपरेखा, ठीक। तीसरा क्या था, राजनैतिक रूपरेखा, ठीक है ना। फिर चौथा क्या था, उपासना की स्वतंत्रता देना था हम लोगों को, और एक संप्रभु राष्ट्र की स्थापना करना, ठीक है। इस उद्देश्य प्रस्ताव में सबसे पहले ये शब्दों को लाया गया दोस्तों, और इस प्रकार हमारे यहाँ उद्देश्य प्रस्ताव, यही उद्देश्य प्रस्ताव का परिवर्तित रूप क्या हो जाता है दोस्तों, प्रस्तावना का रूप लेता है। समझ गए दोस्तों, यही प्रस्तावना का रूप लेता है, ठीक है ना। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग चलते हैं दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में आपको बता ही चुके हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और स्थायी अध्यक्ष भी थे और झंडा निर्माती सभा के अध्यक्ष भी थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू क्लियर हो चुका है, बी एन राव हमारे यहाँ संवैधानिक सलाहकार रहे, ठीक है ना। इस प्रकार से ये हमारा चौथा क्वेश्चन कंप्लीट होता है और चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पर। और पांचवा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पांचवें क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। ये चार ऑप्शन आपके पास है और ये आपको याद भी करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि इस जो अध्यक्ष थे वो कौन थे और जो छह और सदस्य थे, मेंबर्स थे प्रारूप समिति में, वो कौन कौन से थे। फिर दूसरा है अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू और चौथा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो ये चार ऑप्शन आपके पास हैं दोस्तों। इन चार ऑप्शन में दोस्तों जो है सिर्फ केवल एक ऑप्शन कोई सही होगा। जल्दी से अपने ऑप्शन का जो सही है उसको पुष्ट करिए अपने प्लेट पर और जल्दी से हमारे आंसर के बाद अपने आंसर को चेक करिए सही हो रहा है या गलत, ठीक है। तो दोस्तों इसमें सी नंबर ऑप्शन सही होगा दोस्तों, सी नंबर जवाहरलाल नेहरू नहीं थे तो एन गोपाला स्वामी थे दोस्तों, अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर थे और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे, ठीक है ना। और एन गोपाली स्वामी ये मेंबर रहे दोस्तों, ये क्या रहे, मेंबर हैं, ठीक है। अल्लाद भी मेंबर हैं दोस्तों, मेंबर हैं, ठीक है। और डॉक्टर भीमराव के बारे में बात हो गई है तो हमारे मेंबर में एक ये हो गए, दो हो गए, तीसरा आपको बता दे रहे हैं के एम मुंशी जी रहे हैं दोस्तों, मुंशी भी हैं। चौथा हमारे यहाँ जो है वो कौन है, मोहम्मद सादुल्ला। तो ये चार हो गए आपके पास दोस्तों। और सादुल्ला के बाद जो है दोस्तों डॉक्टर डीपी खेतान रहे हैं,
ठीक है। तो ये हमारे पांच और प्रभु समिति के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये मिलाकर कुल सात सात प्ररूप समिति में अध्यक्ष थे। ये याद कर लीजिए दोस्तों, दिमाग में डाल लीजिए कि प्ररूप समिति में केवल सात अध्यक्ष थे और आपको सातों याद रखने पड़ेंगे। पहला तो याद रहेगा अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मगर वो छः आपको याद करना कठिन होगा। तो वो छः आपको मेंबर्स से बिल्कुल दिमाग में बैठाना है और इसी तरह का ऑप्शन बनेगी दोस्तों। और ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। अब वो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि प्ररूप समिति के अध्यक्ष कौन है, इतना एक नॉर्मल सा क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन बनाया जा सकता है पेपर में आपके लिए कि वो चार ऑप्शन में कोई एक नहीं होगा, इसके लिए आप पुष्टि करिए। तो ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है दोस्तों, तो बिल्कुल तैयार रहिएगा। और प्ररूप समिति को दोस्तों जो है 29 अगस्त 1947 को प्ररूप समिति का गठन किया गया था दोस्तों। एक तो ये है प्ररूप समिति का गठन किया गया था दोस्तों, ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि इसका गठन इस दिन हुआ था और इसमें छः सदस्य और एक अध्यक्ष थे, कुल मिलाकर सात सदस्य थे दोस्तों, ठीक है ना। इसके बाद अब हम लोग दोस्तों आगे चलते हैं और बात करते हैं सिक्स नंबर क्वेश्चन की तरफ। और सिक्स नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब संपन्न होती है। तो चार ऑप्शन आपके पास हैं। पहला ऑप्शन है 24 जनवरी 1950, बी नंबर ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, तीसरा ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 और डी नंबर है 24 जनवरी 1947। ये चार ऑप्शन आपके पास हैं। चार ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही होगा दोस्तों, जल्दी से इसको पुष्ट करिए अपने प्लेट पर कि हमारा कौन सा आंसर सही होता या नहीं होता। तो दोस्तों इसमें जो बैठक हुई थी वो अंतिम बैठक 24 जनवरी को संपन्न हुई थी। 24 जनवरी 1950 को हमारे भारतीय संविधान की अंतिम बैठक हुई और इस दिन बहुत सारे काम हुए दोस्तों। सबसे पहले यहाँ तो भारत का राष्ट्रपति बनाया गया, इसी दिन भारत का राष्ट्रपति चयनित किया गया हमारे यहाँ, ठीक है ना। दूसरी बात, अंतिम बैठक हुई, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं और 26 जनवरी 1950 को इस दिन क्या हुआ था दोस्तों, ये घटना हुई थी संविधान सभा में संविधान को लागू किया गया था। संविधान सभा के द्वारा संविधान को लागू किया गया था, संविधान को लागू किया गया था, ठीक है ना, समझ गए होंगे। और 26 नवंबर को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया था, संविधान को अंगीकृत किया गया था दोस्तों, ये चीज़ आप लोग जानते ही हैं। और 24 जनवरी 1947 को कोई ऐसी घटना नहीं हुई, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है और चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है और 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था जिसमें आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है संविधान सभा द्वारा, दूसरा है दोस्तों ब्रिटिश संसद द्वारा, तीसरा है गवर्नर जनरल द्वारा और चौथा है भारतीय संसद द्वारा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए चार ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही होगा और जल्दी से अपने आंसर की पुष्टि करिए कौन सा हमारा सही होगा आंसर। तो हम आपको बताने वाले हैं इसमें पहला ऑप्शन सही होगा, ए नंबर, संविधान सभा द्वारा, क्योंकि हर बात में ही संविधान सभा का ही नाम लिया जाता है कि संविधान सभा मतलब एक पूरी जो असेंबली थी जिसके माध्यम से पूरे संविधान का निर्माण किया गया और सभी संविधान में सभी लोग जब सहमत होते हैं तभी हमारे भारतीय संविधान को अपनाया जाता है, सारी चीज़ें पुष्ट की जाती है, इसलिए संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया दोस्तों, ठीक है। तो ये 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8वें नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, तो 8वां नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत का जो संघीय न्यायालय है, अब देखिए संघीय न्यायालय हमारे यहाँ जो है एक न्यायालय है, हमारे यहाँ जुडिशरी है और सिर्फ केवल एक ही जुडिशरी है पूरी जो है जिसको हम लोग संघीय न्यायालय बोलते हैं या स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है, या सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं या सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। तो हमारे पास एक ही न्यायालय है जो सर्वोच्च न्यायालय के नाम से जानते हैं हम लोग। और इसका गठन कब हुआ था दोस्तों, तो इनमें से हम देखेंगे किस वर्ष स्थापित किया गया था। सबसे पहले ये चार ऑप्शन आपके पास, पहला 1935 है, बी नंबर 1937 है, सी ऑप्शन बता रहा 1946 है, डी 1947 है। तो ये चार ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही है और जल्दी से अपने आंसर की पुष्टि करिए और बताइए जल्दी से कौन सा ऑप्शन सही है
तो अब आपको बताने वाले हैं कि इसमें जो है बी नंबर ऑप्शन दोस्तों सही होगा, क्योंकि 1937 में ही हमारा संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी, परंतु 1935 का एक एक्ट आया था, आप लोगों को पढ़ाया होगा हमने 1935 का एक्ट, और 1935 के एक्ट के माध्यम से ये संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, परंतु इसकी जो है मतलब इसको बनाया गया था मगर लागू नहीं किया गया था। 1937 में इस वर्ष पूरी तरीके से स्थापित होकर के रेगुलर ये काम करने लगा था संघीय न्यायालय हमारा, ठीक है। और 1946 को घटना आपको मालूम है कि ये इस दिन कैबिनेट मिशन प्लान आया था, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में ही आया था, ठीक है। पहली बैठक भी संपन्न हुई, ठीक है। स्थायी और अस्थायी अध्यक्ष भी बनाए गए, स्थायी अध्यक्ष भी बनाए गए, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो है आप लोग समझते हैं कि ये जो है 1946 बहुत सारी, और जो 47 है ये भारतीय संविधान सभा जो है क्या कहते हैं हमारा देश स्वतंत्र हुआ था 1947 को। तो ये चार ऑप्शन आपके पूरे क्लियर होते हैं। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि निम्न में संविधान सभा की संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये चार ऑप्शन आपके पास है, बीआर अंबेडकर है, दूसरा जेबी कृपलानी है, जवाहरलाल नेहरू है, और फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल है। तो चार ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से अपने ऑप्शन की पुष्टि करिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो दोस्तों हम आपको बताने वाले इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही होगा, जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू अगर संघ की बात आती है, यदि संघ की बात आती है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू समिति का हम वर्णन करेंगे। जवाहरलाल नेहरू ने मतलब संघ समिति पर बात चर्चाएँ उठाई है। अगर हम लोग प्रांति की बात करेंगे तो प्रांति के आधार पर दोस्तों हम आपको बता दें, प्रांति अगर शब्द आता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के काम होंगे, समिति के अध्यक्ष होंगे, काम किए होंगे उसमें, और संघ में जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। इसी प्रकार अगर हम दोस्तों आपको बता दें जेपी कृपलानी, तो इन्हें झंडा समिति के अध्यक्ष बोला जाता है दोस्तों, झंडा समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे झंडा समिति के अध्यक्ष दोस्तों, वो थे जेबी कृपलानी, ठीक है। और बी आर अम्बेडकर के बारे में आप जानते हैं, संविधान के पिता थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, ठीक है। और ये चारों ऑप्शन आपके क्लियर होते हैं, ठीक है। और अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, भारतीय संविधान को बनाने हैं तो संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए दोस्तों। तो ये चार ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, 9, 10, 12 और 15। तो इसमें ये चार ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही है दोस्तों, जल्दी से बताइए अपने ऑप्शन कौन सा आपका सही है। तो दोस्तों 12 अधिवेशन हुए थे, और ये 12 अधिवेशन के बारे में आप लोग देख लीजिएगा कि कौन कौन से अधिवेशन कहाँ कहाँ संपन्न हुए थे। तो 12 अधिवेशन कुछ हमारे कंप्लीट हुए थे भारतीय संविधान के निर्माण में। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। और यदि ये सारे जो भी कुछ हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं कोई भी क्वेश्चन को लेकर के, वो सारे कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइए, और हम आपको सारे क्वेश्चन के बारे में और जानकारी दे सकें, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोग लाइक जल्दी करिए सेशन को, और शेयर करते रहिएगा, और इस प्रकार और सब्सक्राइब भी जरूरी है करना, इसलिए क्योंकि आपको वीडियो जो अपडेट मिलते रहेंगे दोस्तों। और ये हमारा नंबर है दोस्तों, इसके माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।